जी दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के अनाउंस होते ही इंडिया के हर चीज़ के रेट बढ़ गए, चाहे वो टिकट के हों, चाहे वो होटल रेट के हों, चाहे वो खाने पीने के हों। इंडिया अपने पूरे वर्ल्ड कप में इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितने पाकिस्तान इंडिया के मैच में कमाएगा। तो दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाते हुए होटल रेट्स ने कई गुना ज़्यादा रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसका जिक्र मैं वीडियो के एंड में करूँगा। तो दोस्तों, आइए हकीकत से कुछ पर्दा उठाते हैं और ये कुछ वीडियो देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अहमदाबाद जिस पे लोग ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप अभी अहमदाबाद के किसी 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार होटल का डाले, रात को मैं चेक कर रहा था गूगल करके, रिजवान 8,000 रुपए किराया है आजकल में, लेकिन यही किराया 13 तारीख अक्टूबर की 80,000 रुपए एक रात इंडियन है, 3 स्टार होटल का किराया बता रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तान में आपको यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ, इसको काउंटर चेक करें। जैसे आप जानते हो कि क्रिकेट के चाहक बहुत लोग हैं और ये वर्ल्ड कप जब पहली बार अहमदाबाद में होने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, और यहाँ की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा 1,32,000 की कैपेसिटी है, तो करीब 35,000 लोग करीब बाहर से आते हैं, पूरे दुनिया से, पूरे शहर से, और जबकि यहाँ सप्लाई डिमांड में काफ़ी गैप है। इसकी वजह से आज जैसे ही मालूम पड़ा, उस दिन से पहले दिन से ऑनलाइन बुकिंग उठना शुरू हो गई, और बुकिंग किसी ने 10 गुने पे, किसी ने 20 गुने रेट पे, कई लोगों ने बुकिंग की, किसी ने 2 गुने पे भी की है। जैसे जैसे अपने हर एक होटल वाले ने अपने अपने हिसाब से बुकिंग की है, ये सप्लाई डिमांड के गैप के कारण से। फाइव स्टार ने लगभग जो पहले आज 10-12 हज़ार के 8-10 हज़ार में बेच रहे, 12 हज़ार में बेच रहे थे, वो आज 50,000 भी बेच रहे हैं, कोई 60,000 भी बेच रहे हैं, अलग अलग होटल अलग अलग हिसाब से बेच रहे हैं। और 3 स्टार होटल ने कोई 15,000 भी बेच रहा है, कोई 20,000 भी बेच रहा है, और 2 स्टार होटल वाला है वो कोई 5,000 भी बेच रहा है, कोई 10। हर एक होटल ने अपना रेट बढ़ा दिया है, मतलब क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। An absolute bouncer, I must say, by the Ahmedabad hoteliers. The World Cup schedule was out at around 12 p.m. today, and within minutes, hotels saw a rapid surge in bookings, and the unprecedented demand led to a sharp surge in rates. I went to booking.com, and what I saw was unbelievable. A room for 2 adults in Renaissance Hotel in Ahmedabad for 2 nights, which is from the 14th to 16th October, is quoting at 1,81,000 rupees. The same room is available for 12,800 rupees if one wants to stay between the 1st and the 3rd of July. The schedule was announced just yesterday, that is the 27th of June, and guess what? Looks like cricket enthusiasts have already started planning their tours. Hotel prices in cities where World Cup matches are scheduled to happen, the likes of Ahmedabad, Hyderabad, Dharamshala, Delhi, Chennai, Lucknow, Pune, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, have already skyrocketed. Not just hotel tickets, flight fares to and from these destinations too have seen an exponential surge. जी दोस्तों, आपने देखा कि इंडियन होटल माफिया ने किस तरीके से अपनी मनमानी चलाई हुई है। तो दोस्तों, इस मनमानी की वजह से ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस परेशान होंगे, बल्कि दूसरे मुल्क से आने वाले क्रिकेट फैंस भी काफ़ी परेशान होंगे। तो दोस्तों, आप और इंडिया में रहने वाले क्रिकेट फैंस अपनी राय दें कि क्या इंडियन गवर्नमेंट्स को इस हवाले से कोई इकदाम उठाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह निगहबान।